दोस्तों मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए इंडियन रेसलरों की अपडेट्स लेकर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी अपडेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है जो कि हमारे सैंकी सिंह के लिए। जब से हमारे सैंकी सिंह रिलीज़ हुए हैं WWE से, तब से फैंस का ये मानना है कि सैंकी सिंह को WWE ने रिलीज़ करके काफ़ी गलत निर्णय लिया है। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है फैंस को कि सैंकी सिंह को क्यों रिलीज़ कर दिया WWE ने। तो दोस्तों हाल ही में इंस्टाग्राम में सैंकी सिंह ने एक फ़ोटो डाली थी, जो कि वो USA में ही हैं, इसलिए उन्होंने एक फ़ोटो डाली है। वो समझ में आ रहा है कि अभी वो USA में ही है। तो उसमें कि एक फ़ैन ने कमेंट किया था कि भाई आई वांट टू सी यू इन एक्शन, मतलब मैं आपको एक्शन में देखना चाहता हूँ, आप कब रिटर्न कर रहे हो। तो सैंकी सिंह का उसमें रिप्लाई आता है, उन्होंने लिखा है वेरी सून, मतलब जल्द ही वो अपना रिटर्न करने जा रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि सैंकी सिंह नोटिस कर रहे हैं कि वो या हो सकता है किसी अदर कंपनी में रिटर्न करें, या हो सकता है दोस्तों WWE में ही कुछ ही महीने बाद अपना रिटर्न करें, क्योंकि दोस्तों उनको परफॉर्मेंस सेंटर में ही डाला गया था और उसके बाद से ही उनको रिलीज़ कर दिया गया था। हो सकता है दोस्तों कि WWE ने कुछ समय दिया हो सैंकी सिंह को तैयार होने के लिए। दोस्तों देखते हैं सैंकी सिंह के लिए क्या होता है, वो जल्दी ही अपना रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, पर उन्होंने टीस कर दिया है कि वो जल्द ही अपना WWE या फिर अदर कंपनी में अपना रिटर्न करेंगे। जैसे ही रिटर्न होगा दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताएं कि सैंकी सिंह किस कंपनी में रिटर्न करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे हम महाबली शेरा के बारे में। महाबली शेरा के बारे में भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि महाबली शेरा ने इम्पैक्ट रेसलिंग में अपना रिटर्न कर लिया है। और मेरे को दोस्तों लग रहा था कि महाबली शेरा इम्पैक्ट रेसलिंग में अपना रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों फाइनली महाबली शेरा ने अपना इम्पैक्ट रेसलिंग में रिटर्न कर लिया। उनका मैच हुआ था राइनो के खिलाफ, पर दोस्तों इस मैच में राइनो के खिलाफ महाबली शेरा हार गए हैं। थोड़ा सा उनको स्ट्रॉन्ग बुक किया जा रहा है, पर दोस्तों उनको मैचेस जिताना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है महाबली शेरा के साथ। और एक न्यूज़ और है महाबली शेरा के लिए, जो कि OVW से है। उनको नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए मैच हुआ था, जो कि टैग टीम मैच है। तो इसमें दोस्तों महाबली शेरा की टीम जीती है, जो उनके साथ हैं हमारे कैश फ्लो, उनके साथ मैच किया था टीम अब महाबली शेरा ने, जो कि नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए था, जो मैच जीत लिए हैं। तो हाल ही में उनका चैंपियनशिप के लिए मैच होने जा रहा है, तो उसमें देखते हैं दोस्तों महाबली शेरा टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। आप मुझे कमेंट बताएं कि महाबली शेरा जीतेंगे या हारेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इंडस शेर के बारे में। दोस्तों इंडस शेर दोस्तों हाल ही में रॉ पर उनका जो मैच हुआ था, जो कि टर्मोइल जो मैच हुआ था दोस्तों टैग टीम, इसमें दोस्तों इंडस शेर की हार हुई है। और उनमें जो उनकी डोमिनेशन वो काफ़ी अच्छी थी, पर दोस्तों इसमें शुरुआत में ही इंडस शेर की हार हो गई है, जिसमें हमारे सांगा और वीर महान की जो बुकिंग है दोस्तों, इसमें रोल अप करके वीर महान की हार हो गई है। क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी टीम्स थी, जिसमें DIY जो टीम है उन्होंने वीर महान को रोल अप करके इस मैच में जीत हासिल कर ली थी। दोस्तों अब बात करेंगे बॉलीवुड बॉयज़ के बारे में। दोस्तों बॉलीवुड बॉयज़ में हाल ही में जो कि AEW में उनकी अपेरेंस हुई थी, जो उनका मैच हुआ था दोस्तों, उनको काफ़ी अच्छा पॉप मिला था, काफ़ी ज़्यादा चेयर कर रही थे फैंस दोस्तों, काफ़ी अच्छा पसंद कर रहे थे बॉलीवुड बॉयज़ को। पर दोस्तों उनको काफ़ी घटिया तरीके से AEW बुक कर रही है और उनको मैचेस हरा रही है। पता नहीं दोस्तों ऐसा क्यों होता है हम इंडियंस रेस्पेक्ट के साथ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि बॉलीवुड बॉयज के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।